राजनीति के बारे में एक शब्द कहा जाता है, वो यह है कि राजनीति अस्थायी होती है। दोस्त दुश्मन हो जाता है और दुश्मन दोस्त हो जाता है, ये आप राजनीति को देखकर कह सकते हैं। अब यही समय का पहिया घूम रहा है। पीएम मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल में वापसी कर रहे हैं, तो अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि अमेरिका में हो रहे मध्यावधि चुनाव में मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो अमेरिका में मंगलवार को मध्यावधि चुनाव होने हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सभी 435 सीटों पर चुनाव होंगे। इस चुनाव से तय होगा कि सेनेट में किसका दबदबा होगा। अमेरिकी इलेक्शन प्रोजेक्ट ने सोमवार को कहा कि 4.3 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों ने मंगलवार के मध्यावधि चुनावों से पहले शुरुआती मतपत्र डाले, जो 2018 की संख्या को पार कर गया है। अमेरिका के 50 राज्यों में से ज्यादातर में मतदाताओं को जल्दी या व्यक्तिगत रूप से डाक के जरिए मतदान की अनुमति होती है। ये बात भारत में भी लागू है। आपको जानकारी होगी कि कोरोना महामारी के कारण साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में लोगों ने इस सुविधा का खूब इस्तेमाल किया था। अमेरिकी इलेक्शन प्रोजेक्ट के मुताबिक सोमवार तक कुल 4.20 करोड़ लोगों में से 1.93 करोड़ ने व्यक्तिगत तौर पर शुरुआती वोट और 2.27 करोड़ ने डाक के जरिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव में जमकर वोटिंग। आंकड़े के मुताबिक 3.91 करोड़ लोगों ने अपना मत डाक के जरिए भेजा। रिपब्लिकन के सांसदों ने वोट पर तकनीकी आपत्ति दर्ज कराई। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में कांटे की टक्कर। डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली का लगाया आरोप। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप ने धांधली का लगाया आरोप। ट्रंप के आरोप पर रिपब्लिकन समर्थक भड़क गए। यहाँ पर एक खास जानकारी देते चले कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने अमेरिकियों से रिपब्लिकन कांग्रेस के चुनाव का आग्रह किया है। ऐसा इसलिए ताकि सत्ताधारी डेमोक्रेट के साथ बैलेंस बनाया जा सके। उन्होंने ट्वीट किया, अगर शक्तियों का बंटवारा हो तो दोनों पार्टियों की सबसे खराब जातियों पर अंकुश लगेगा। ये देखते हुए कि राष्ट्रपति एक डेमोक्रेट है, इसलिए मैं एक रिपब्लिकन कांग्रेस के लिए मतदान करने की सलाह देता। उन्होंने आगे कहा, स्पष्ट होना चाहिए कि मैंने स्वतंत्र रूप से डेमोक्रेट को मतदान किया। भविष्य में भी मैं डेमोक्रेट के मतदान का समर्थन करने को तैयार। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मिड टर्म इलेक्शन में अमेरिकी अर्थव्यवस्था मतदाताओं का मुख्य मुद्दा है। अमेरिका में महंगाई 40 साल के सबसे उच्च स्तर पर है। मध्यावधि चुनाव के परिणाम 2024 के राष्ट्रपति चुनाव को सीधे प्रभावित करेंगे। कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। अब देखना होगा कि ये सुधार कितना होता है और अमेरिका में ट्रंप का दबदबा कितना बढ़ता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बाइडेन ट्रंप से आगे नहीं बल्कि पिछड़ रहे हैं।